इतिहास के पन्नों से आज फिर हम आपके लिए एक नया इतिहास निकाल करके लाए हैं। तो आइए जानते हैं कि इतिहास के पन्नों ने आज आपके लिए क्या कुछ नया रखा है। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के एक महान वैज्ञानिक और महान संस्थान निर्माता थे। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इन्हीं के बदौलत अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहराया था। आज यानी 12 अगस्त को डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती मनाई जा रही है। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। इनका पूरा नाम विक्रम अंबालस साराभाई था। इन्होंने विविध क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थानों की स्थापना की या स्थापित करने में मदद की। 11 नवंबर 1947 को इन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। 1966 से 1971 तक इन्होंने PRL में कार्य किया। डॉक्टर साराभाई को विज्ञान की शिक्षा में बहुत रुचि थी और उन्होंने 1966 में अहमदाबाद में एक सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की। यह परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें व्यापक रूप में भारत के परमाणु विज्ञान कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। ने भारत में पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित करने में डॉक्टर साराभाई का समर्थन किया था। 30 दिसंबर 1971 को कोवलम तिरुवनंतपुरम में इनका निधन हो गया। डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित कुछ प्रमुख संस्थान भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, सामुदायिक विज्ञान केंद्र अहमदाबाद, प्रदर्शनी कला के लिए दक्षिण अकादमी कोर कोर्मी आर्ट अहमदाबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम इत्यादि। अगर हम इसकी संक्षिप्ति पर बात करें तो बस इतना जान लीजिए कि विक्रम साराभाई वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमें इस जमीन से उठा करके उस चांद तक, उस अंतरिक्ष तक पहुंचाया है। ये उन्हीं लोगों में से शामिल एक व्यक्ति हैं जिन्होंने साइकिल पर ले जाकर भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया था। साइकिल पर, बैलगाड़ियों पर हमारा पहला रॉकेट गया था लॉन्च होने के लिए। और आज भारत ने अपना रॉकेट चंद्रमा पर भेज दिया और एक दो नहीं उससे कहीं ज्यादा। तो आज भारत जितना भी तरक्की कर रहा है, जितना भी आगे जा रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, वो सारी की सारी देन विक्रम साराभाई की ही है। तो इतिहास के पन्नों में आज इस महान व्यक्ति का नाम दर्ज है। तो इतिहास के पन्नों से आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए व्यक्ति के साथ, एक नई घटना के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।